हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हैं और आप फोन पे द्वारा किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर कोई फोन पे के द्वारा आपके पास फोन पे में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है आपके बैंक अकाउंट में, तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको टेक्निकल इशू बता रहा होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम हर इलाहाबाद बैंक यूजर्स के साथ हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप UPID को रिसेट कर दें और दोबारा से इंडियन बैंक के नाम से ऐड कर लें। ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं UPI ID को रिसेट करने का तरीका बताऊँगा और साथ ही थोड़ा बहुत बैंक को ऐड करने का तरीका भी बताऊँगा, जिससे आपका ट्रांजेक्शन इशू सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूं क्योंकि अभी ऐसा प्रॉब्लम मुझे भी झेलना पड़ा है। देख सकते हैं मैं खेतों पर बैठ के बना रहा हूं। किसी ने मुझे भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था तो अभी मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोन पे ऐप में इलाहाबाद बैंक के UPI ID को रीसेट यानी कि डिलीट करके इंडियन बैंक को जोड़ने के लिए सबसे पहले फोन पे ऐप को ओपन करें। ओपन करते ही थोड़ी देर वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से ओपन कर ले। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद नीचे की ओर नज़र आ रहे माई मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद स्क्रीन के बीचों बीच नज़र आ रहे बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप देख सकते हैं मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने पहले ही इलाहाबाद बैंक को रिसेट करके यानी कि डिलीट करके इंडियन बैंक को ऐड कर चुका हूँ। तो चलिए, रिसेट करने के लिए आप बैंक अकाउंट नंबर के सामने नज़र आ रहे राइट साइड में तीर के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद नीचे की ओर नज़र आ रहे अनलिंक बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप राइट साइड में नज़र आ रहे अनलिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका इलाहाबाद बैंक डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाने के बाद, तो फिलहाल मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही कर चुका हूं, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल करके आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप जैसे ही डिलीट कर लेंगे तो आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहां पर आप, मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं आपको, अगर आप यहां पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और इलाहाबाद बैंक सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ विलय कर दिया गया है, इसलिए नहीं मिलेगा। तो इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पर आप सिंपल सा सर्च करें आप इंडियन बैंक। इंडियन बैंक देख सकते हैं, इंडियन लिखते ही आ चुका है। अब आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही ये ऐड हो जाएगा। सो फ्रेंड, देख सकते हैं ऐड हो चुका है। मैंने दोबारा से ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद देख सकते हैं अकाउंट एडेड सक्सेसफुली आ गया। अब नीचे की ओर नज़र आ रहे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से ऐड हो जाएगा। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी अपने ट्रांजेक्शन इशू को सुधार सकते हैं और आप इंडियन बैंक को ऐड कर सकते हैं आसानी से। सो फ्रेंड, आई होप मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।